हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल तान्या सिंह। और आज हम लोग कंटिन्यू नहीं एक्चुअली नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ ह्यूमन सेटलमेंट्स। एंड ये आपकी जो सेकेंड बुक है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, उसका चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट, राइट। सो दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर जो हम उस से करने वाले हैं, राइट। तो अब हम बिफोर वी स्टार्ट द ह्यूमन सेटलमेंट्स, लेट अस गो टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जानते हैं इस वीडियो में। सो व्हाट आर द ह्यूमन सेटलमेंट्स, अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि भाई ह्यूमन सेटलमेंट्स क्या हैं, सिंपली ह्यूमन सेटलमेंट्स क्या होती हैं, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, सो वी कैन से अ ग्रुप ऑफ हाउसेस इन अ वेरी लेमेंस लैंग्वेज, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ हाउसेस, एक हाउसेस का ग्रुप है जिसमें किसी भी साइज के हाउसेस हो सकते हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं, रहने के अलावा बिल्कुल उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी वहाँ से कनेक्टेड रहती हैं, तभी वहाँ पर रहते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स अ ग्रुप ऑफ हाउसेज ऑफ एनी टाइप और साइज वेयर ह्यूमन बींग्स लिव। फॉर दिस पर्पज़ पीपल जो है वो हाउसेज बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और कुछ एरिया को जो है कमांड करते हैं एज देयर इकोनॉमिक सपोर्ट बेस, कि ये हमारा इकोनॉमिक सपोर्ट बेस है, राइट। अब सेटलमेंट का प्रोसेस किस तरीके का होता है, तो इट सेटलमेंट के प्रोसेस में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुपिंग ऑफ पीपल, ठीक है, सभी लोग मिलेंगे और सभी लोग आपस में टेरिटरीज को डिवाइड कर देंगे, दिस इज़ आवर एरिया, दिस इज़ योर एरिया। ऑब्वियसली अगर हम स्टार्टिंग में जाएं, हालांकि अभी के नहीं, बहुत ही बेस से अगर हम स्टार्ट करें, तो एक्चुअली में येस सेटलमेंट के प्रोसेस में यही हुआ था ये, ठीक है। सो ग्रुप्स केम एंड देन सभी ने अपनी टेरिटरीज को डिवाइड कर लिया एंड उनको एज अ रिसोर्स बेस ले लिया, राइट। Now, what effect size has on a socio-economic development of settlement? So, I think size के साथ साथ socio-economic character, मतलब कि what activities are being performed है ना, socially society कैसी है, economy कैसी है, वो change हो जाता है, right? Settlements जो बहुत ही small हैं और दूर दूर हैं, sparsely spaced हैं, तो वहाँ पर हमें जो है क्या देखने को मिलेगा कि दे आर जनरली विलेजेस, रूरल एरिया है, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी चलती है, एग्रीकल्चर या प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, सोसाइटी बहुत ही क्लोज है आपस में, लोगों के जो रिलेशंस हैं वो क्लोज हैं, तो उसका सोशल स्ट्रक्चर जो है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, मे बी इनइक्वलिटीज़ भी हों। वहीं अगर कोई लार्ज सेटलमेंट है, बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड है, तो वहाँ हमें देखने को मिलता है कि दैट इज़ एन अर्बन सेटलमेंट, और वहाँ पर कुछ जो है सेकेंडरी या टर्शरी एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा होंगी, तो दैट इज़ हाउ कि जो है साइज एक एरिया का वो इफ़ेक्ट करता है सोशल एंड इकोनॉमिक कैरेक्टर जो है वो किसी भी सेटलमेंट का। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड डू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट। सिंपली अगर अर्बन सेटलमेंट पे क्वेश्चन आ गया तो आप सिर्फ अर्बन सेटलमेंट वाला लिख दीजिएगा, रूलर पे आ गया तो रूरल वाला, अदरवाइज द डिफरेंस बिटवीन द टू। सो अर्बन सेटलमेंट्स मेनली क्या होते हैं, अर्बन सेटलमेंट्स मीन्स जो अर्बन एरियाज होती हैं, जो गाँव से हटकर जो आपके टाउन्स होते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज हो जाती हैं, सबर्ब्स हो जाते हैं, तो उनको हम अर्बन की कैटेगरी में डालते हैं। एंड रूरल सेटलमेंट्स में यूजली जो है विलेजेस आते हैं, राइट, विलेज एरियाज आ जाते हैं, हमारे गाँव के जो एरियाज हैं वो आ जाते हैं। सेकेंडली देखिए, अर्बन एरियाज़ में जनरली क्या होता है कि ज़्यादा डेवलपमेंट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जो बेसिक हमारी एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रेलवेज, रोड्स अच्छी बनी हुई, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी आ रही है, वाटर सप्लाई अच्छा आ रहा है, दैट इज़ ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब जो है हमें अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है, रूरल एरियाज़ में इतना ज़्यादा हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, रोड्स भी इतनी अच्छी डेवलप नहीं है, शायद वाटर सप्लाई भी उतनी अच्छी ना हो। अब तो खैर वी आर डूइंग एंड डेवलपिंग, बट लेकिन येस मेनली हम एक कैटेगराइजेशन करते हैं, एक डिफरेंस देखते हैं, तो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर डिफरेंस। यहाँ पर इट इज़ रॉन्ग हो गया, यहाँ पर अर्बन आएगा एंड यहाँ पर रूरल सेटलमेंट आएगा, राइट। नेक्स्ट वन इज़ दैट अर्बन एरियाज जो है बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होती है, आपने कभी भी देखा होगा। सो गाँव में इट इज़ लाइक अ वेरी शांति एंड सभी लोग आराम से रहते हैं, देर इज़ नो एक्चुअली क्राउडिंग, जितना अर्बन एरियाज में आप जाएगा, दिल्ली में जाएगा, मुंबई में जाएगा, सो देर आर लॉट ऑफ क्राउडिंग। तो अर्बन सेटलमेंट का एक डिफरेंस ये भी है कि यहाँ पर बहुत ही लोग डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, यहाँ पर स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं, स्पार्सली मतलब बहुत ही कम स्क्योर्स, राइट।
फोर्थ पॉइंट इज़ दैट जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं मेनली वहाँ पर किस तरीके का काम होता है, लोगों की लाइवलीहुड किस चीज़ पे डिपेंड होती है, जो रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं यानी कि यहाँ पर लोग जो है ज़्यादा सेकेंडरी या टर्शरी में होते हैं, ऑलमोस्ट 75% से भी ज़्यादा लोग जो है वो सेकेंडरी में रहते हैं। जो रॉ मटेरियल्स एक्चुअली में एग्रीकल्चर सेक्टर या विलेजेस से जो खेती बाड़ी आती है उससे फिर मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोडक्ट्स बनाना, फिनिश्ड गुड्स बनाना, मान लीजिए शुगर की नाया है तो उससे शुगर बनाना, दैट इज़ अ फिनिश्ड प्रोडक्ट दैट कम्स इन द मैन्युफैक्चरिंग, और बहुत सारी अदर सर्विसेज, सर्विस मतलब कि सैलरी जॉब्स लाइक दी हेल्थ, एजुकेशन, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, राइट। एंड रूरल सेटलमेंट्स में क्या है कि मेनली उनका सब बेसिक सपोर्ट बेस क्या होता है, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, चाहे डेयरी फार्मिंग हो, चाहे पोल्ट्री हो, चाहे रॉ मटेरियल्स को उगाना, जिसके मटेरियल को यूज़ करके लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अर्बन एरियाज़ में। अर्बन एरियाज़ में क्या है, लाइफ कैसी है, सोशल लाइफ कैसी है, कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी भागम दौड़ की जो है लाइफ रहती है, एंड जो सोशल रिलेशंस हैं लोगों के बीच में, किसी कोई भी आपस में उतना ज़्यादा जो है क्लोज नहीं होता, सो रिलेशनशिप सारे ही फॉर्मल होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ के होते हैं, राइट। वेयर एज रूरल एरियाज़ में जो क्योंकि लाइफ बहुत ही लेस मोबाइल है, इतनी ज़्यादा भाग दौड़ की नहीं है, तो लोगों को आपस में बातचीत करने का मौका मिलता है, और उस तरीके से इनके जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी इनफॉर्मल रहते हैं और काफ़ी क्लोज रहते हैं लोग इन द विलेजेस, राइट। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द फाइव बेसिक डिफरेंस, एंड आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन भी टोटली जो है प्रिपेयर हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ, दिस इज़ द पार्ट 1, वेरी शॉर्ट एंड अ सिंपल वीडियो, राइट। तो पार्ट 2 में हम लोग करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, विच इज़ अगेन अ वेरी स्टार क्वेश्चन, राइट। सो कीप कनेक्टिंग, और हम लोग मिलते हैं सून, मीट अप इन द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।